माँ बाप पंजाब से आए थे ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद, सो ऐसा नहीं था कि वी वर वेरी वेल ऑफ, सो दे वर ऑल्सो बिल्डिंग. तो एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की, इट वॉज नॉट लाइक कॉन्वेंट नहीं था, ठीक ठाक स्कूल था, इंग्लिश मीडियम था बट इंग्लिश कोई नहीं बोलता था वहाँ पे, राइट. एंड मोस्टली जो पंजाबी रिफ्यूजीज थे वो बच्चे वहाँ ज्यादा पढ़ते थे. मैंने कहा चलो ठीक है ये भी करके देखते हैं. जो मैंने बोला ना पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस रहेगा, मैंने ये चाहिए. हाय दोस्तों, द वीवीसी शो पे आपका स्वागत है. मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन फिर से एक बार ले आया हूं आपको उस शो पे जिसका नाम है द वीवीसी शो, आपकी लाइफ का लाइट हाउस. जी हां, हम इस शो को लाइट हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने कहा था हम आपको गाइड करेंगे लाइफ, रिलेशनशिप और करियर के लिए. दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ऐसे खास लोगों को और शख्सियत को लाता रहूंगा जिसको आने के बाद आपके जिंदगी में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, अपॉर्चुनिटीज बढ़े और आप अप्रोचेबल लोगों से आपको मिलाऊंगा जिनसे आप चाहें तो मिल सकें. आज हमारे शो पे आए हैं मेरे दोस्त सौरभ गोयल. सौरभ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और सक्सेस ब्रू कंपनी के को-फाउंडर हैं. सौरभ कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं और बहुत ही पैशनेट एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं. इनकी कंपनी सक्सेस ब्रू मार्केटिंग की कंपनी है, मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट में काम करते हैं और इनका कम्युनिटी है जिसमें फाउंडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत सारे फाइनेंसर्स इनके साथ, माइक्रो फाइनेंसर्स और बहुत सारे वीसीज काम करते हैं. हाय सौरभ, वेलकम टू द वीवीसी शो. थैंक यू सो मच विक्रम भाई, थैंक यू सो मच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद समथिंग नोइंग अबाउट वीवीसी शो. हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सौरभ भाई, जो हमारा मेन रीजन था इस शो को बनाने का ये था, जैसे आप जानते हैं कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ और पिछले 25-26 साल से काम कर रहा हूँ. हम कहीं ना कहीं, मेरा इसका जो उद्देश्य है वो बनाने का ये है कि जो भी यंगस्टर्स आज हमें देख रहे हैं या जो भी लोग, कोई यंग लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई एक टीयर वन टीयर टू सिटी में, इवन कोई गांव में बैठा भी अगर किसी का कोई सपना है और वो पहुंचना चाहता है कॉर्पोरेट लाइफ में या अपने करियर में या फाउंडर या सक्सेस ब्रू जैसी कोई कंपनी आपकी तरह खड़ी करना चाहता है, तो वो हमसे इंटरेक्ट कर सके डायरेक्ट और उसके पास एक माध्यम हो, उसे ये सोचना ना पड़े कि मेरे को सलाह लेनी है तो कहाँ लेनी है. तो इसीलिए आप जैसे बहुत सारे हम दोस्तों को इस चैनल पर लाते रहेंगे जो कि उनको गाइड करें. तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी से, सक्सेस ब्रू की जर्नी से. मुझे बताइए, ये मैकेनिकल इंजीनियर सौरभ गोयल, एक सक्सेस ब्रू कंपनी का फाउंडर जो बना, उस सफर को, और पहले बचपन से शुरू करेंगे, आपके बचपन, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज बताइए. सो बचपन फरीदाबाद में बीता, मैं फरीदाबाद में ही पैदा हुआ, यहीं पे बचपन बीता, स्कूल में थे. माँ बाप पंजाब से आए थे ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद, सो ऐसा नहीं था कि वी वर वेरी वेल ऑफ, सो दे वर ऑल्सो बिल्डिंग उस टाइम पे. सो यू होता है ना, आप गांव से उठ के शहर में आते हो, सो आधी जिंदगी तो आपकी शहर की अंडरस्टैंडिंग में निकल जाती है गांव के लोगों की, राइट राइट ठीक है. तो मतलब पेरेंट्स की वो लाइफ थी. तो एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की, इट वॉज नॉट लाइक कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, ठीक ठाक स्कूल था, इंग्लिश मीडियम था बट इंग्लिश कोई नहीं बोलता था वहाँ पे, राइट. एंड मोस्टली जो पंजाबी रिफ्यूजीज थे वो बच्चे वहां ज्यादा पढ़ते थे. अरे तो एजुकेशन हो गई थी नॉर्मल, मजा आ रहा था एजुकेशन में. उसके बाद जब सोचा कि टेंथ के बाद क्या करना है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज गुड बिकॉज मेरा फिजिक्स और मैथ बहुत अच्छा था, तो हमने मैकेनिकल चूज किया कि मैकेनिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ देखने को मिलेगा दुनिया चलती कैसे. लाइक मैकेनिकल इज ऑल अबाउट मूवमेंट, दुनिया चलती कैसे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. फिर भी 2 साल जॉब किया क्योंकि स्टार्ट कर लिया था, तो उसके बाद फिर लगा कि यार ठीक है 2 साल ये हो गया, ठीक ठाक काम कर लिया, अच्छी कंपनी के साथ काम किया, क्लाइंट्स बहुत अच्छे थे, बट देन आई सेड मूव आउट करते हैं, कुछ कुछ ये सोचते हैं और बेटर क्या होगा. फिर किसी ने बताया कि यार सेल्स की जॉब अच्छी होती है, सेल्स में आप घूमोगे फिरोगे, नए लोगों से मिलोगे, मजा आएगा, तो बोरियत नहीं होगी. मैंने कहा चलो ठीक है ये भी करके देखते हैं. फिर अब सेल्स आता नहीं था, डिजाइनर इंजीनियर उसको एक लैपटॉप दे के बिठा दो, उसको आदमी नहीं चाहिए आसपास, राइट. यू नो यू थिंक इट्स लाइक अ वेरी क्लोज्ड पर्सन जो बात नहीं करना चाहता, राइट. उसको कोडिंग करना है खाली पूरा दिन, उसको प्रोग्रामिंग करना है, मशीन प्रोग्रामिंग एंड ऑल. सो बट ये समझ में आ गया था, पापा ने यही बोला था जब मैंने बोला एमबीए करना है, माल बेच के आना, माल बेच सकते हो तो एमबीए है, नहीं तो कोई काम की नहीं है, राइट. अल्टीमेटली चिल्डा चलेगा कुछ बेचने से, राइट. और बेच पाओगे तो फिर जिंदगी में ना पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस रहेगा. जब मैंने बोला ना पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस रहेगा, मैंने कहा ये चाहिए अपने को, राइट. सो फिर एक बीपीओ से जॉब स्टार्ट की दोबारा, लाइक मैकेनिकल. फादर की बात का आपको बेसिक समझ आ गया, बेसिक समझ में आ गया. तो फिर हम बीपीओ में घुसे. बीपीओ बाय चांस किस्मत अच्छी थी कि बीपीओ बहुत अच्छा मिला,
वहां को जो पूरा सेल्स प्रोसेस था, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड मेंबर्स को इंश्योरेंस बेचना था, तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड मेंबर छोटे मोटे लोग नहीं होते। अब उसमें कुछ कार्ड मेंबर्स थे जो ब्लैक कार्ड मेंबर्स थे, लाइक 2,000 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर चाहिए। अब आप फोन कर रहे हो और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का मालिक फोन उठा रहा है एंड वो आपसे खरीद रहा है एक कॉल पे। तो उस छोटे से एरिया में ना ये देखा मैंने कि वहां पे 28-29 लोग बैठे हैं और महीने भर का 2.5-3 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो मुझे ना पैसा और नंबर समझ में आए कि भाई एक छोटी सी टीम अगर बेचने निकले एक अच्छा प्रोडक्ट और सही लोगों को जिनके पास पैसा है तो ये फटेगा। तो आप अच्छा कर सकते हो। और 12वीं क्लास का बच्चा 12,000 बेसिक सैलरी 1.5 लाख कमीशन लेके जा रहा है, मैंने कहा तो इंजीनियरिंग में कभी नहीं हो। राइट करेक्ट। सो 3-4 महीने आपने टाइम निकाला, वहां पे बात थी कि प्रैक्टिस करने की, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, बात कैसे करना है, ये सब चीजें अच्छी निकली। एंड फिर अगले 5-6 साल फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में रहे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये वो, घूमना फिरना, नए लोग एंड ऑल। फिर 2018 में सोचा कि चलो यार ये भी हो गया, मैं वो बंदा हूँ जो बोर हो जाता है, एक बारी कर लिया ना कुछ, यू अचीव समथिंग, तो उसका डंका पूरी जिंदगी नहीं बजाना, ये हो गया आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन माय माइंड। तो अगला सवाल था कि अब क्या करना है। तो 6 महीने का टाइम लिया, गैप लिया, वेंट टू यूट्यूब, सर्च्ड एवरी गुड चैनल, माइंड वैली, सदगुरु, सब सारा ज्ञान बटोर लिया। तो 600-700 GB वर्थ ऑफ कॉन्टेंट मैंने देखा लगभग 2-2.5 महीने में। तो सुबह चालू होता था 10 बजे यूट्यूब और एक नोटपैड, सो इतना एक बंडल है डायरीज का जो आज भी वो नोट्स लिखे हुए हैं, मैं लिख के पढ़ता हूं। बेसिकली एक नॉलेज इकट्ठी की, एक नॉलेज जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा अब क्या चल रहा है, अभी नई दुनिया में क्या चल रहा है। तो यूट्यूब एक फ्री रिसोर्स है, राइट। अभी जैसे आपने ये चैनल बनाया तो ये एक फ्री रिसोर्स है, कोई भी इसको देख सकता है, कोई उससे पैसा नहीं मांगेगा और वो शायद यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल के कुछ तो उखाड़ लेगा अगर चाहता है तो, दिल में इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो देखेगा भूल जाएगा या फिर कहेगा पता नहीं क्या है, दो लोग बात कर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी के देखने का। मैंने बड़े ध्यान से देखा एंड सबसे ज्यादा जो कंटेंट देखा वो माइंड वैली का देखा। आई विल बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस बिकॉज विशाल लिखियानी इज अ मैन फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल वाज इंपैक्टेड मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैज क्रिएटेड एंड व्हाट ही टॉक्स। सो ही टॉक्स अ लॉट ऑफ डेटा, वो बिना बेस के बात नहीं करता कभी भी। तो मुझे समझ में आया एजुकेशन एज अ इंडस्ट्री इज गुड एंड आई कैन टीच। मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप स्टार्ट किया, गोल सेटिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग। मुझे लगा बच्चे खरीदेंगे कॉलेज के, यू नो स्टूडेंट्स को बहुत जरूरत होती है गोल सेटिंग की, कंफ्यूज होते हैं कौन सा करियर चूज करना है एंड ऑल। तो काइंड ऑफ मेरे माइंड में था कि आगे जाके हम करियर काउंसलर बन सकते हैं बिकॉज अभी बहुत कुछ देख लिया है। लेकिन जब वो फेसबुक पे पोस्ट किया, लिंक्डइन पे पोस्ट किया, ग्रुप्स में डाला, तो टू माई सरप्राइज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल केम इन। तब मुझे एक टर्म समझ में आया जिसको बोलते हैं मिड एज क्राइसिस। सो 30-32 की साल तक एक कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय को समझ में आ जाता है उसका करियर कहाँ जा रहा है। तो या तो वो चेंज करना चाहता है या कुछ ऐसा खुद का कुछ करना चाहता है, तो वो सोच रहा होता है उस टाइम डायलेमा में। ये वो लोग थे जो मेरी वर्कशॉप में सबसे पहले आए। सो एक बैच किया और उसके बाद रेगुलर हमने 34 बैच किए। ओके। सो ये 34 बैच करते करते मैंने कहा ठीक है, अब इनको एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए कि ठीक है वर्कशॉप तो इन्होंने कर लिया, अब क्या रेगुलरली मुझसे कनेक्टेड कैसे रहेंगे। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इन सबको वहां पे ऐड करते रहे रेगुलर। सो बाद में जब मैंने देखा तो ये लोग ना एटलीस्ट 10 कंट्रीज से थे। ओके। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो एक छोटे से घर में बैठ के, मतलब कमरे में बैठ के अपने ऑनलाइन, एंड एक और सीक्रेट, मेरे पास उस समय लैपटॉप भी नहीं था और मेरे घर में वाईफाई नाम की कोई चीज नहीं थी, मेरे फोन डेटा पे सब चलता था। तो वही बोलते हैं कि जहां पे आपकी जिद होती है वहां रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं। तो आपने जैसे मोबाइल से शुरू किया और इंटरनेशनल लोग आपके उस पे आ गए। यस, पैनासोनिक का। बता देना चाहता हूं जो दोस्त हमें सुन रहे हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपका जो प्रतिभा है, आपका टैलेंट है, वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और जैसा सौरभ ने बोला कि एक मोबाइल से शुरू किया था और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करीब 1.5 लाख लोग हैं जो लिंक्डइन पे ही सौरभ से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं इनकी कम्युनिटीज और कंपनी की बात करूं तो एटलीस्ट 20,000-25,000 लोग होंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्रॉस इंडिया जुड़े होंगे। सौरभ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं कम नंबर बोल रहा हूं। 17 सिटीज ऑफ इंडिया एंड 5-6 कंट्रीज भी होंगी बाहर की। हां तो भी है। तो यहां से आपका सफर शुरू हुआ ये कम्युनिटी बिल्डिंग का। कम्युनिटी बिल्डिंग आजकल बहुत बहुत सुनते हैं हम, तो इस बारे में कुछ आप बताइए हमें। सी, मेरे लिए कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत सिंपल है। इट्स लाइक कुछ लोग हैं जिनकी कॉमन प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम कॉमन है एंड वो साथ में उसका सोल्यूशन ढूंढने निकल पड़ते हैं, तो एक ग्रुप बन जाता है।
मेरे लिए कम्युनिटी वो है, एज अ कम्युनिटी लीडर मुझे लगता है कि मैं वो प्रॉब्लम्स देख चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा और बेटर हेल्प कर सकता हूँ उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने में और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने में। सो स्टार्टअप्स की जब बात करते हैं तो इंडिया में स्टार्टअप इकोनॉमी बहुत बूम कर रहा है, राइट? और अगर हम देखेंगे तो जितने भी नए लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं जो कि 22 23 साल की एज के या 30 से कम है, उनके पास लीडरशिप एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं मिला है, उनके पास हर तरह की प्रॉब्लम है जो हो सकती है एक बिजनेस बनाने के लिए। अब अगर ये किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बिल्कुल 2-3 लाख महीना इनके पास नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वो स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड होते हैं सौरभ। हाँ, सो बूटस्ट्रैप अपनी जेब में जितना पैसा था थोड़ा फैमिली से लिया, वहां से स्टार्ट कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे, एक छोटा प्रोडक्ट बन जाएगा, मार्केट में उसको टेस्ट करेंगे, सक्सेसफुल हो गया तो इन्वेस्टर पैसा देगा। अब इसको हम बूटस्ट्रैप बोल लेते हैं, पहले हम बोलते थे, पहले तो स्टार्ट ही ऐसे होता था बिजनेस, जो है वो ले लो, घर है तो घर गिरवी रख के लोन ले लो, मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसे स्टार्ट किया है, जी राइट? जितना है उससे स्टार्ट कर लो, या फिर यार दोस्तों से उधार मांग के स्टार्ट किया। तो भाई वो जब उधार मांग के स्टार्ट कर दो, पता था ना कि किस देना है महीने के एंड में ब्याज के साथ, तो ना फिर प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, एफर्ट्स ज्यादा होते हैं, मेहनत एफर्ट ज्यादा बहुत। होती है। आप सुबह उठते हो, आप खाना नहीं सोचते, आप कुछ नहीं सोचते, आप ये सोचते हो आज कितना प्रॉफिट बनेगा, बिकॉज ये ईएमआई भी निकालना और खर्चे भी निकालने हैं, करेक्ट? लेकिन हाँ, आज वो चीजें नहीं है, क्योंकि आज जो बच्चे बिजनेस कर रहे हैं वो वेल ऑफ फैमिली से है मोस्टली, राइट? तो उनको एटलीस्ट नहीं भी कमाएंगे, घर में खाना मिल जाएगा, सोने को छत मिल जाएगी, दो चीजें तो उनके पास है, काफी लोगों के पास है, काफियों के पास वो भी नहीं है, उनकी अलग स्ट्रगल है लाइफ में। सो उसके बारे में भी बात करते हैं अभी। सो ये कम्युनिटी है मेरे लिए कि यार कुछ लोग साथ में मिलकर दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एंड सेल्फलेस है, नॉलेज शेयर करने को तैयार है। तो सक्सेस ब्रू जो है, सक्सेस ब्रू से ही शुरुआत हुई आपकी? नहीं, सो पहले हमने कम्युनिटी का नाम रखा था गोलची क्लब, बिकॉज वो एक गोल सेटिंग वर्कशॉप से स्टार्ट हुआ था। ओके, फिर तो इसमें गोल जैसे सेटिंग क्या, स्टूडेंट्स की, यूथ की, कोई भी आ सकता था इसमें? इवन हाउसवाइफ कैन जॉइन दैट क्लब। ये प्रोग्राम बड़ा ही कंड्यूसिव था, लाइक सो फॉर मी ना, मेरे साथ क्या होता है, मैं ना इस चीज को नहीं देखता सेगमेंट को, मेरे लिए मैं ये देखता हूँ कि इंसान की प्रॉब्लम क्या है, राइट? करेक्ट? सो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ना लाइफ स्किल बोलते हैं, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, बैंकिंग का काम आना, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होना, मुझे लगता है इसका टारगेट ऑडियंस नहीं है, ये सबको आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया जहान की ट्रेडिशनल बिजनेस है जो आदमी चेक लिख के देते हैं, फिर वो चेक बैंक में डालते हैं, 3 दिन में पास होता है, राइट? बट वही चीज ऑनलाइन हो सकती है। सो वो 55 साल के अंकल भी ऑनलाइन बैंकिंग सीख सकते हैं, बिकॉज आज एक ऐप की वजह से बहुत आसान हो गया है, और एक बार अपने सारा डेटा अपलोड कर दिया, बैंक अकाउंट डाल दिया, तो आपको बार बार कुछ नहीं करना, उसमें एक नंबर डालना कि कितना पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है, यूपीआई और भी आसान कर दिया, अभी स्कैन करो और गया, करेक्ट? लेकिन हाँ, उनमें डर है कुछ, थोड़ा थोड़ा ना गलत ना चला जाए कहीं अभी भी, हाँ, मोबाइल में कि निकल गया हाथ से तो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, इंडिया भारत बन रहा है, इंडिया भारत बन गया है काफी और बन जाएगा। आप जैसे यंगस्टर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही अगर और लोगों को जुड़ते रहेंगे, कम्युनिटी बिल्ड करते रहेंगे और सिखाते रहेंगे बाकियों को। और आपकी जो कम्युनिटी से, जो मैं भी आपके काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह मैंने बहुत क्लोजली देखी और मॉनिटर की और काफ़ी लोगों से मिला हूँ, जो मुझे उसमें अच्छा लगा वो ये है, मैं किसी से बात कर रहा था, वो बोलते हैं मोस्टली फ्रीलांसर्स में कॉम्पिटिशन होता है कि इसका काम मुझे मिल जाए या कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, बट आपके यहाँ पे फ्रीलांसर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एनजीओस से जुड़े हुए हैं जैसे आपने बताया, ऐसे लोग भी हैं जो कोर बिजनेस में हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, तो वो बहुत एक अच्छी बात है। सर, आप मेरे को ये बताइए कि सोशल मीडिया ने आपको कितनी हेल्प की इस कम्युनिटी बिल्डिंग को तेज करने में, और वो जो 0 से 1.5 लाख का सफर था लिंक्डइन पे, वो कैसे हुआ? आई नो दिस इज अ सीक्रेट, ये पेड वर्कशॉप होती है, बट कुछ टिप्स दीजिए उन बच्चों को, उन लोगों को, उन कॉर्पोरेट्स को जो एक्चुअली इस नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। देखो, मुझे लगता है आज इंटरनेट एक ऐसी प्यारी चीज है, आपको कोई खर्चा नहीं लगता, आज इंटरनेट सस्ता भी बहुत है, ऑलमोस्ट फ्री है सबके लिए, ऑलमोस्ट फ्री है, तो ये एक ऐसी चीज है जो फ्री है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये फ्री है और मैं इसको जैसे यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, या तो मैं पूरा दिन बैठ के बिंज वॉचिंग करता हूँ, रील देख लूँ, वीडियो देख लूँ और कुछ ना करूँ, राइट? या फिर मैं वही रील और वीडियो बना लूँ, करेक्ट? तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण अपना भी देता हूँ, बट एक एग्जाम्पल है, मतलब अगर हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो देखें ना कि आप क्या ही बनाओगे, लोग कहते हैं यार क्या कॉन्टेंट बनाओ,
मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते ना, हंसाओ लोगों को। राइट, और मैं एग्जांपल कॉमेडी देता हूँ, करते क्या हैं। पता नहीं वो कहां से आया साउथ अफ्रीकन, कहता हूँ 65 मिलियन फॉलोअर्स, इज अ ब्रांड एम्बेसडर टू ब्लडी हुगो बॉस, मतलब मजाक नहीं है। एंड वो सब 2-2.5 साल में हो गया, करेक्ट। सो मुझे लगता है जब मैं लिंक्डइन पे गया था तो मुझसे, मैं फेसबुक पे ऑलरेडी काम कर रहा था, मैं फेसबुक पे बहुत कंटेंट भी लिखता था, वहां से सेलिंग भी हो रहा था, फेसबुक ग्रुप्स भी हम बना रहे थे, सब कर रहे थे। फिर एक फ्रेंड ने बताया काम को तो लिंक्डइन पे आ जाए, ज्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तेरे को ज्यादा किक मिलेगा। इनिशियल 2-3 महीने वो भी स्लो था, बट मेरा कॉन्टेंट लिखने का एक ना पर्पज होता है कि शायद एक इंसान इसे पढ़ेगा और उसको कुछ अच्छा लगेगा आज, या उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होगा। सो दैट वॉज द आइडिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा या 1.5 लाख फॉलोअर होंगे, तो वो दिमाग में था ही नहीं ऐसा कुछ। मतलब उस राइट टाइम पे ना मेरी औकात से बहुत बाहर था मेरे लिए, कि ऐसा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, तो लिख जो होगा देख लेंगे। आइडिया था कि भाई बिकना चाहिए, पैसा कमाना है, राइट वट एवर कॉन्टेंट आई राइट वो किसी को अच्छा लगेगा तो वो कुछ खरीदेगा अपने से, ठीक है, या तो वो कोचिंग खरीदेगा, या कंसल्टिंग खरीदेगा, या मार्केटिंग एडवाइस लेगा, कुछ तो करने आएगा। राइट राइट उस टाइम पे 2020 में, मैं आप सीक्रेट बता रहा हूँ खोल के, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो फॉलोअर्स बढ़ने में, लिंक्डइन का है। क्योंकि 2020 में लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा था, ओके एंड वो कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहा था। सो वो ओके हमें ऑर्गेनिकली बहुत सॉलिड रीच भी दे रहा था और फॉलोअर्स भी दे रहा था, ताकि हम वहां बने रहे। तो वहां पर रोज के 500-700 नए फॉलोअर्स आते थे। ओके ओके 2020 के मिड के बाद की अगर बात करूं तो वो बहुत स्लो हो गया है। ओके अभी ओके मतलब अभी तो हर कोई क्रिएटर है, पेंडेमिक के बाद तो एवरी कॉलेज स्टूडेंट, एवरीबडी स्टार्टेड राइटिंग, बिकॉज सबको भी पर्सनल ब्रांडिंग का कीड़ा है, कंटेंट राइट वैल्यूएबल है नहीं है, लोग अब तो मोटिवेशनल भी पेल रहे हैं लिंक्डइन पे जम के, ठीक है ना। लेकिन मैं वो बताता हूँ, वो भीड़ से अलग भी आप काम कर सकते हो, आप अपना वैल्यूएबल कॉन्टेंट डाल सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, सब कर सकते हो। सो ये एक जर्नी थी। तो 1.5 लाख भी हो गया आई थिंक, आगे अभी उम्मीद है 10 लाख भी हो जाएगा कभी, कुछ चल रहा लिंक्डइन है। पे, लिंक्डइन पे मैंने जो अक्सर देखा है, मैं भी काफी लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ, उसमें दो तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट होते हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे एक लेवल पे हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। तो आपको क्या लगता है, मैं एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहूंगा, लिंक्डइन में जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, कोई आया पहले दिन, मान लीजिए उसे 10 लोग जानते हैं, वो उनको 10 को रिक्वेस्ट भेज देगा, और 10-12 लोगों से उन्हें क्या करना चाहिए कि लोग उनको देखें और बोले कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो वो बोले कि हाँ विक्रम ये कोई जेन्युइन बंदा है, अच्छा इसने रिक्वेस्ट भेजा। तो नॉर्मली होता क्या है कि मोस्टली आप जब रिक्वेस्ट किसी की एक्सेप्ट करते हैं तो लोग उसे एक जॉब प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं, और यू हाँ नो आपको अपना रिज्यूमे भेजते हैं कि सर मुझे जॉब चाहिए। उसके सिवा उन्हें क्या करना चाहिए, उस बारे में कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिए। मुझे लगता है जो बिल्कुल बिगिनर है ना, जो कंटेंट लिखना अभी नहीं आता है, तो उनको पहले कंटेंट पढ़ना चाहिए। तो जो बाकी लोग लिख रहे हैं पढ़ो, तसल्ली से आराम से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि उस जो आपने पढ़ा उसमें कुछ आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो एक कमेंट छोड़ सकते हो 2-3 लाइन में कि ओके ये मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ इसमें, या फिर ओके कभी आप सिंपल एप्रिसिएशन देके उसमें अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो उस कंटेंट से रिलेटेड, करेक्ट। राइट राइट सो आज किसी ने एक कम्युनिटी के बारे में लिखा था, कि कम्युनिटी जब उन्होंने किसी और कम्युनिटी के बारे में लिखा था, एंड शी सेड के एक एक कम्युनिटी सडनली लाइफ में आई, कहीं से कुछ लोग जुड़ गए और लाइफ चेंज हो गई, करेक्ट। मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही रहा है, अपनी खुद की कम्युनिटी के साथ भी और मेरी पुरानी सेल्स कम्युनिटीज के साथ भी, कि पता नहीं लोग आए कहीं से तो और कुछ कुछ सिखा के चले गए जिंदगी में और बदल गया सब कुछ, राइट। तो उसमें एक छोटी सी लाइन हमने ऐड की कि यार आपकी जो सबसे तगड़ी ग्रोथ है ना, वो ऐसी जगह से आई थी कि जो आपने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है वो राइट हमारी कम्युनिटीज है, क्योंकि तो आप कम्युनिटी ये में कुछ नहीं होता। तो इसको हम ये सोच के चल सकते हैं कि आप किसी भी नेटवर्क को, किसी भी दोस्त को, किसी भी मिलने वाले को, किसी भी फोन कॉल को जो आपसे आज कनेक्ट हो रहा है, आप जैसे कम्युनिटीज में जाते हैं, लोगों से मीटिंग्स में मिलते हैं, किसी को भी छोटा ना मानिए। कोई भी कॉन्टैक्ट आपके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकता है। ये सबसे बड़ा एक सीक्रेट है एक्चुअली में, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है लोग कहते हैं ये तो पता नहीं अभी फ्रेशर जॉब में है, इससे क्या ही बात करनी है ना। लेकिन मैं बताता हूँ, एक ऐसी फ्रेशर ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्लाइंट दिया था, पॉसिबल है, ठीक क्योंकि कह रहे आज हैं। वो फ्रेशर थी, 2 साल बाद वो उस कंपनी की कंटेंट मैनेजर थी। राइट राइट तो आज जो लेकिन भी आप नेटवर्क, तो मेनली आप बोलते हो कि अच्छा, एक नेटवर्किंग के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, मैं भी अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में, पॉडकास्ट में, जो मेरे ऑडियो होते हैं, वीडियो पे, तो अभी हम रिसेंटली मूव किए हैं, हम बहुत बात करते रहते हैं।
कि नेटवर्किंग 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 बहुत लोगों को ऑब्वियसली एक नेटवर्किंग तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर कंप्यूटर का वर्ड है, बट जो नेटवर्क होता है लोगों से मिलना, किसी एक नए आदमी को जो कॉन्टैक्ट बनाने होते हैं वो कैसे बनाए, क्या बनाए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज को कैश करें। मुझे लगता है नेटवर्किंग को ना पहले तो अपॉर्चुनिटी और कैश करने के बारे में मत सोचो, इसको सोचो कि एक नया दोस्त बनाना है आज, राइट राइट? और जैसे हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, हम जान रहे हैं एक दूसरे को, राइट? हो सकता है मैं कुछ ऐसा बताऊं आपको जो आपने पहले मेरे मुंह से कभी नहीं सुना, ठीक पॉसिबल बात है, है क्योंकि हम जितना बात करते हैं उतना कुछ नया बताते हैं। तो राइट मुझे लगता है टारगेट ये होना चाहिए कि आज एक नया दोस्त बनाऊंगा और उसकी जिंदगी के बारे में जानूंगा कि इसने क्या किया राइट है। राइट आपको उसे 26 साल का एक्सपीरियंस है, सो मैं आपको 5 साल से जानता हूँ, राइट? मुझे भी हर बार कुछ नया जानने को मिलता है, बिकॉज आप मेरे को 26 साल का एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं बता सकते, ठीक एक बात है घंटे में बता सकते, राइट? अगर हम हर रोज बात करेंगे तो मैं आपको और डीपर डीपर जानता रहूंगा। तो आइडिया है दोस्त बनाना, राइट करेक्ट? राइट जब वेरी वो नाइस आदमी आपका दोस्त बन जाएगा तो ये समझो कि वो आपका बड़ा भाई छोटा भाई टाइप्स बन गया, करेक्ट? अब अगर उसके पास आपके लिए कुछ बिजनेस होगा तो अपने आप दे देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ठीक बात है ठीक बात तो है मैं कहता हूं, अगर आप हर रोज एक नए इंसान से बात करो और ये जानो कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, कुछ हेल्प कर सकते हो करो, नहीं कर सकते मत करो। तो लोगों को सुनना बहुत बड़ी हेल्प है आज की डेट में। अगर आप बिल्कुल किसी को बिल्कुल सुनो तसल्ली से बैठ के, सामने वाले को अच्छा लगता है स्टोरी सुनाना अपनी, यार मेरी कहानी आज किसी ने सुनी, राइट? तो आपने 1 साल में 365 लोगों से बात की, डेली अगर एक इंसान से बात की तो 365 लोगों से बात की, मैं कहता हूँ इसमें से 20 अच्छे दोस्त बन गए वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वो 20 आपकी जिंदगी सुधार देंगे और विच ये इज नॉट इवन होता अ 1%, जो 1% से भी कम है आप बोलते हैं। हाँ है। हाँ मतलब 365 का 1% भी अगर मैं पकड़ूं तो 36-37 आता है। तो आप बोल रहे हैं अगर लेस देन 1% भी आपके अच्छे दोस्त और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए जो परसेंट हो गया, आपको। 10% गड़बड़ हो गया यहाँ हाँ पे, 10% हो गया, 1% नहीं 10%। 10% हो गया, सॉरी 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 10% हो गया। हाँ 1% तो तीन हो गया, तीन चार लोगों को। तो आप बोल रहे हैं 10% करीब तो इतना हाँ चलता है। राइट 5-7% लोग भी अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए तो आपको मदद करेंगे वो। बिल्कुल, और आप भी उनको मदद कर सकते हो, आपको नहीं पता कि आप उनके कहाँ पे काम आ जाओ, राइट? तो नेटवर्किंग आइडिया जगह है तो आप कि बोल रहे थे कि करीब 3-4% लोग भी अगर आपके साथ अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो नॉर्मली आप ये अपना जो कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं या नेटवर्क पूरा चलाते हैं, कुछ बताइए कितने ग्रुप्स हैं आपके और किस एज के लोग हैं इसके अंदर जुड़े हुए आपके साथ जो काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 18 साल से लेके 55 साल तक सब टाइप के ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स का नेटवर्क ओके अलग है, फ्रीलांसर्स का नेटवर्क अलग है, और उसके बाद एक जो हमारा कोर नेटवर्क जो है वो है बिजनेस ओनर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्वेस्टर्स। क्योंकि अभी या ओके तो कंटेंट क्रिएटर एक एंटरप्रेन्योर बनने लगता है थोड़े दिन में, या फिर एक इन्वेस्टर कंटेंट क्रिएटर बनने लगता है, तो इन तीनों को आपस में एक दूसरे की जरूरत रहती है, बहुत सॉलिड वाली, एक दूसरे से सीख सकते राइट हैं, राइट राइट राइट? तो मुझे लगा इनको साथ में लाना बहुत अच्छा है। हमारे मोस्टली जो हमारे कम्युनिकेशन है ग्रुप में वो सब ये रहता है कि यार मेरे को ये बंदा चाहिए, मेरे को ये रिसोर्स चाहिए, या मेरे को को-फाउंडर चाहिए, या फिर आज मेरे को एक छोटा सा रिसोर्स है, मतलब फोटोग्राफर चाहिए एक प्रोडक्ट फोटोशूट के लिए। तो कम्युनिटी में लोगों को राइट अपना राइट अपने साथ एक ट्राइड एंड टेस्टेड रिसोर्स मिल जाता है, सबसे अच्छी चीज तो वो है कि और दस साथ लोगों में ने और रेफरेंसेस मिल जाती है जो लोगों ने काम कराया। रेफरेंसेस मिल जाती है, एग्जैक्टली राइट। एंड कम्युनिटी के अंदर भी एक दूसरे के लोग कस्टमर्स बन जाते हैं या एक दूसरे के क्लाइंट्स बन जाते हैं, वो भी काम बहुत होता है, राइट? सो अगर मान लो ओके कोई कोई स्टार्टअप है जो हेल्थ सेगमेंट में है, तो हेल्थ तो सबको चाहिए चाहे वो किसी भी और इंडस्ट्री राइट में हो, राइट राइट? हमने नहीं तो अभी किसी के कैलकुलेट पेरेंट्स को किया, चाहिए, अगर उसे खुद नहीं चाहिए तो उसके पेरेंट्स को चाहिए होगा या उसके कहीं किसी को किसी तो ना किसी चाहिए काम में, घर राइट? एक न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत आज सबको है, राइट? में। राइट तो हमने यही राइट सोचा कि ठीक राइट है इन सबको साथ में लाते हैं तो कुछ तो अच्छा निकलेगा। मेरे साथ ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होता कि बाद में क्या करना है, इनको कंटेंट क्या देना है, इनको साथ में लाते हैं फिर देखेंगे क्या करना है। तो कभी कभी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ग्रुप्स को राइट चेंज करते राइट हैं, सेगमेंट्स चेंज करते हैं। तो पूरा 2022 हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अब समझ में आया कि फाउंडर्स, CXOs, इन्वेस्टर्स एक जगह, कंटेंट क्रिएटर्स एक जगह, फ्रीलांसर्स एक जगह, स्टूडेंट्स एक जगह, लेकिन अब हम आगे स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल जिसमें ये सब एक दूसरे से भी बात कर सके अगर ये चाहे तो। तो अभी तक आपने एक सेगमेंटेशन कर दिया है सबका कि एक ही एज ग्रुप के लोग एक ही जैसी सोच के लोग आपस में जुड़े रहें, बट एज ए कम्युनिटी ओनर और कम्युनिटी बिल्डर यू आर हेल्पिंग सबको कि किसको किसी की जरूरत है। मान लीजिए आज आपकी नजर में कोई स्टार्टअप आता है जिसको फाइनेंसिस की जरूरत है और ऑब्वियसली यू आर सेइंग कि आपके साथ काफी ऐसी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, एंजल इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं जो पैसा डालना चाहते हैं, बिल्कुल,
तो आप उन लोगों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ग्रेट है। तो सौरभ मैं मतलब आई बिलीव इसके ऊपर हम एंडलेस जा सकते हैं। स्टार्टअप्स के बारे में कुछ मेरे को बताइए, स्टार्टअप वर्ड के बारे में मेरे को तो बहुत पता है, बट एक जो खुद स्टार्टअप चला रहा है उसके मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्टार्टअप के लिए बेसिक चीजें जो हैं, आज जो भी ये देख रहे हैं वो कोई लेडी हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई एक कपल हो सकता है, कोई एक जैसे बोलते हैं ना KFC का जो ओनर थे उन्होंने 80 साल की उम्र में शायद वो कंपनी खड़ी की थी, तो आज खड़ा कोई भी कर सकता है इस कंपनी को। रीस्टार्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ आपकी एक है और आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। तो अगर कोई रीस्टार्ट करना चाहता है आज, उसको तीन चीजें कम से कम जो चाहिए होंगी, मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ क्या चाहिए होंगी स्टार्टअप के लिए? देखो मुझे लगता है स्टार्टअप कहने को एक छोटा बज वर्ड भी बन गया, बट बड़ा प्यारा वर्ड है, बड़ा अच्छा है। सो अगर हम थोड़ा स्टार्टअप और बिजनेस को अलग करने की कोशिश करें, कहने को तो बिजनेस ही है। देखो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट बिकेगा, पैसा बनेगा, अल्टीमेटली तो यही होना है। दैट्स द गोल ऑफ पैसा, प्रोडक्ट या सर्विस होगी कोई जो बिकेगी, प्रोडक्ट या सर्विस होगा, राइट। लेकिन हम जब बिजनेस की बात करते हैं एक नॉर्मल धंधे की, तो एक शायद मेरे फादर है वो मार्केट से कैस्ट्रो ऑयल का ऑयल खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आगे बेचते हैं। So actually he is just a person who is passing on a material and making money in between. It's a business, correct? Right. But आज जब हम बात करते हैं एक नए स्टार्टअप की, तो वो एक नई सोच से खड़ा होता है कि यार ठीक है, कोई सोसाइटी में ना प्रॉब्लम है। जस्ट थिंक ऑफ इट, एक 6 फ्लोर का मल्टी लेवल पार्किंग है, ठीक है, आपने गाड़ी पार्क करी और आप भूल गए 4 घंटे बाद मूवी देख के आए, तो किसी इंजीनियर ने सोचा इसका क्या है? तो उसने एक पार्किंग में आपको गाड़ी में एक चिप लगाया, आपके फोन में एक ऐप डाला, अब आप ट्रैक कर सकते हो आपकी गाड़ी कहाँ है। वो एक जगह सक्सेसफुल हुआ। अब वो जो एक जगह सक्सेसफुल हुआ उसको हम बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, करेक्ट। अब यही सेम पार्किंग प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, तो एक इन्वेस्टर ने सोचा यार ये तो सही है, और मैं रियल एस्टेट का बंदा हूं जिसके 100 मॉल है और सब में पार्किंग है, तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, सब में लगा। राइट। So, ये इस तरह की एक जर्नी है बड़े शॉर्ट में जो मैं बता रहा हूँ, करेक्ट। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। अभी अगर मैं शार्क टैंक देखूं और हम एक Tier 2 या गांव की बात करते हैं, तो गांव से ना बहुत प्यारी प्यारी चीजें निकलती हैं, सबसे जैसे कि अचार, राइट। अभी शार्क टैंक में जहाजी करके एक अचार है, राइट। सो पिछले सीजन वन बिल्कुल शार्क टैंक वन में वो आए थे और दोबारा आए थे, तब उनको किसी ने फंडिंग नहीं दिया, लेकिन अब दिया, ठीक है। क्यों? अभी देखो ना, वो अचार बनाना, रियलाइज हुआ, ठीक है, अचार बनाना गांव की कला है, शहर में किसी के पास टाइम नहीं है कि खुद का अचार बैठ के बनाए, राइट। और जो मार्केट से जो मशीनों से बना हुआ अचार लेके आते हैं वो अच्छा नहीं होता या टेस्ट नहीं होता, बिकॉज उसमें कुछ पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन गांव का बना हुआ ऑथेंटिक अचार, उससे जो लोकल गांव की औरतें हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, ठीक है, किसी का बिजनेस खड़ा हो गया, और पूरे बाकी जो Tier 1 Tier के लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है वो अचार बनाने का, उनको एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल गया, और वहां उनको शायद कोई जज भी नहीं करता। अगर कोई अचार बना के बेच रहे हैं शायद उन्हें कोई जज नहीं करता। आज if I'm not wrong, they have picked up funding of करीब 70 लाख या 80 लाख रुपया उन्हें funding मिली है। 80 लाख का उनको दिया गया है, exactly. 80 लाख is a, और आप सोचो, और बिजनेस ऑफ, अगर आप देखें झारखंड में भी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है झारखंड एंजल्स, जिन्होंने ये फंडिंग करवाया है, तो आज टीयर 2 में ग्रुप हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, बैठे हैं, जो पैसा लगाने को रेडी हैं अगर आप कुछ अच्छा करो तो। लेकिन हाँ, वो जो इनिशिएटिव है ना इनिशियल, कि भाई आज मैं बड़ी 2 बाल्टी अचार बना के तो बेचेंगे हम, वो आपको अपनी जेब से करना है, वो टेस्ट लोगों को चखाना आपको है, वो चाहे आप सड़क पर खड़े होकर चखाओ या कहीं भी करो, वो आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टअप जो है ना आपके लिए कोई नहीं कर सकता, स्टार्ट तो खुद ही करना पड़ेगा, पहला कदम तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपकी जर्नी में लोग जुड़ते चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं, ये जो हमने चैनल शुरू किया था VVC शो, इसका मेन माध्यम यही है कि पहला कदम हम लेने में लोगों की मदद करें, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ेंगे वो और आते रहेंगे, और यू नो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था और कारवा बनता चला गया, तो वैसा ही हमारा प्लान है। और सौरभ, आई होप, आई एम वेरी हैप्पी कि आप हमारे शो पे आए, आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई, और बहुत सारी चीजें हैं। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहते हैं हमारे हमारे दर्शक, तो वो आपको कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लीज अपना ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बताएं तो। मुझे लिंक्डइन पे मैसेज भेज सकते हो, ईमेल आईडी है saurabh@successbrew.in, सो सक्सेस का स्पेलिंग तो सक्सेस वाला ही है, ब्रू इज BREW,
एंड सौरभ का स्पेलिंग SOURABH.IN, सो successbrew.IN, उस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहो तो हम आपकी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप तक पहुंचना चाहें तो आपको वो ईमेल कर सकें और लिंक्डइन पे जाएं। और इसके साथ देखिए, बातें तो अगर आज हम इस बारे में करना शुरू करें खत्म ही नहीं होंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब, जैसे आपने बोला लिंक्डइन और यूट्यूब को यूज करके, यूट्यूब से नॉलेज लेके, मतलब जो मैं समझ पाया इतनी हमारी पिछले आधे घंटे के डिस्कशन में, कि यूट्यूब से नॉलेज बटोर के, फिल्टर करके, और जो आपको लगा कि सही चीजें किसी के काम आ सकती हैं। ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, आप किसी के लिए समय देते हैं, आपने कई घंटे अपना टाइम देके माइंड वैली पे सदगुरु से और बहुत जगह से कंटेंट इकट्ठा किया, उसे फिल्टर किया, उसके बाद सेगमेंट किया कि बिजनेसमैन के लिए कौन सा कंटेंट है, स्टूडेंट के लिए कौन सा कंटेंट है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सौरभ। मुझे लगता है कि हमारे को इस चैनल पे आपको लगातार बुलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज शायद, जैसे आपने बोला कि मैं अपनी एक आपसे आधे घंटे घंटे में हम नहीं ले पाएंगे। तो पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि यू हैव ज्वाइंड अस, और इस कम्युनिटी को जैसे आप बढ़ा रहे हैं सक्सेस ब्रू को, मैं कोशिश करूंगा कि वीवीसी शो के थ्रू भी जो लोग आपसे जुड़ सकें या आपके थ्रू जो लोग हमसे जुड़ सकें वो जुड़ें। और मैंने एक और भी चीज बोली है जब हम इस चैनल को स्टार्ट कर रहे थे, कि अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं ना, अगर आप एक सोशल वर्क करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको जाके कहीं पे सड़क पे झाड़ू लगाना है या मंदिर की सीढ़ियां धोनी है। अगर आपने किसी को इस लायक बना दिया कि आज वो खड़ा होके एक नौकरी के लायक हो गया, चार वर्ड इंग्लिश के सीख गया, ईमेल करना आ गया, जैसे आपने बताया लाइफ स्किल्स, अगर आपने किसी को लाइफ स्किल्स सिखा के, तो वो बहुत बड़ा एक किसी के लिए कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आज कोई यूपी से, केरला से, महाराष्ट्र से, पंजाब से बस पकड़ के एक बच्चा दिल्ली आता है, उस बच्चे को जो बेसिक्स चाहिए होते हैं वो आके इंटरनेट पे ढूंढता है, वो घर, वो चीजें, और अगर आप उसे कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, ये मैं सबको कहना चाहूंगा जो लोग ये देख रहे हैं, कि अगर वो आके आज सौरभ से जुड़ जाए ना तो ऑलमोस्ट वो हिंदुस्तान से जुड़ गए। अगर वो जुड़ गए तो उनको वहां पे खाने को क्या है, रहने को क्या है, हर चीज मिल सकती है। और आप अगर आप यहाँ नहीं जुड़ रहे हैं तो आप भी कम्युनिटीज बनाइए और सौरभ की तरह सक्सेस ब्रू बना के सक्सेस को ब्रू कीजिए और बांटिए लोगों के अंदर। सौरभ इसके साथ मैं आपसे, फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण, एक बच्चे ने आज मैसेज किया असम से, मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं, हम कजन्स के साथ मिलके एक एजेंसी खोल रखे, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी असम में, नाम रखा है सुपर कजन्स, सिंपल नाम, कजन्स एज सुपर कजन्स करके, एंड ही सेड मेरे को यहाँ पे कम्युनिटी बनाना है, क्या बना, बता मुझसे क्या चाहिए। सो सर अभी तक कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ नहीं, एक काम कर, हमारा बना बनाया कम्युनिटी है वहाँ पे, लोकल असम के लोगों को ऐड कर, लोकल इवेंट ऑर्गेनाइज कर, फिर हम आते हैं वहाँ पे, बाकी फिर हम देखेंगे। तो so, अब आप जो मीटअप्स करते हैं, ये मीटअप्स की बात कर रहे हैं आप, जो नॉर्मल मीटअप्स करते हैं, सो अब उसको इतना एफर्ट करना है कि वो 30 लोग इकट्ठे कर ले असम में एक कमरे में और हम चले जाएंगे वहां, उसके बाद उसका कोई पैसा नहीं लगना, उसे खाली 30 लोगों को इकट्ठा करना है कि वो एक जगह आने को रेडी हो जाए, हम असम में कम्युनिटी बना देंगे उसके बाद। और एक बार जब कम्युनिटी बन गई और वो आपके ग्रुप में आ गया तो फिर वो पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएगा, एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ जाएगा जहां पे उसे स्टार्टअप के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, जॉब्स के बारे में एक मुफ्त की नॉलेज मिलेगी और जिसमें वो अपने भी स्किल्स ऐड कर सकता है। हम जैसे आपने बोला कि एक फ्रेशर को हल्के में नहीं आंकना चाहिए, वो भी कुछ ऐसी अपने साथ प्रतिभाएं लेके आता है कि जो आपके और मेरे ग्रुप को, जिसे कहते हैं ना सोना इतना सा भी बहुत होता है, प्रतिभा से ज्यादा। पता है क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक ना कीड़ा होता है कुछ लोगों में कि कुछ बड़ा करना है, एटीट्यूड एक होता है, कुछ करना तो है चलेगा, लेकिन वो कीड़ा होना तो आदमी प्रतिभा ले लेता है, वो स्किल सेट भी सीख लेगा, सब कर लेगा, लेकिन अंदर वो कीड़ा होता है ना, मुझे जुनून, वो जुनून चाहिए, तो करना है। नहीं तो ऐसे नहीं कि मुझे पहली बार मैसेज किया, जैसे मुझे 100 बार मैसेज किया कम से कम, नहीं टाइम होता, मैं नहीं जवाब दे पाता, लेकिन वो रुका नहीं, वो लगा हुआ है। पर्सनली कितनी खुशी होती है जब एक ऐसा मैसेज आता है। एक तो होता है हम बिजनेस करते हैं, you know, पैसा आता है, सैलरीज आती हैं, कमीशन आती हैं, पेचेक्स आते हैं बड़े बड़े, बट जब कोई एक आपसे कोई जुड़ता है, यू नो, कहीं से किसी बच्चे का, किसी लड़की का, किसी लेडी का मैसेज आता है, आप उसे हेल्प करते हैं, उसके बाद वो थैंक यू लिखते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसा फील होता है वो, पर्सनल एक फीलिंग बताइए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक वो भी एक बहुत बड़ा एक किक होता है लाइफ में हमारी। वो मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा किक है मेरी लाइफ का आज की डेट में, लाइक अभी मैं बता, मतलब ये तो बहुत छोटी चीज है, मेरे को परसों किसी एक फ्रीलांसर ने मैसेज किया, जिसको मैंने सबसे पहले 2020 में, जिसको जॉब छोड़ने के बाद फ्रीलांसिंग का ज्ञान दिया, उसने स्टार्ट किया,
उसने 2022 में 55 लाख रुपए कमाए, 30 साल की उम्र है, करेक्ट। और कहां पे, कहां से बेस है ये? दिल्ली गुड़गांव से? गुड़गांव से। सो मुझे ऐसा, एंड सी, वो घर पे बैठ के काम करना है, लैपटॉप और इंटरनेट, तीन ही चीजें हैं, कोई फैंसी ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। और इंडिया में उसका कोई नेटवर्क नहीं था 2019 में, 2019 में वो पहली बार इंडिया आई थी, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क था, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं आई, यहीं नेटवर्क बनाया, यहीं काम किया। लेकिन हाँ, अगर तुमको देखोगे उसने 16-17 घंटे रोज काम किया एक टाइम पे, पागलों की तरह। तो मेहनत, मेहनत, जुनून, और उसके बाद आपका एटीट्यूड लोगों से जुड़ने का अगर पॉजिटिव है तो आप फोड़ दोगे कुछ ना कुछ, तो फोड़ दो। सी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप उस पागलपन जुनून में घुस जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं भगवान ही आता है, बेटा ले ले, तू नहीं मानेगा। मतलब एक सिचुएशन वो आती है जहां भगवान कहते हैं तू ले ले, तू नहीं मानेगा, वो ना जिद तो होती है बोलते ना, पेरेंट्स के साथ। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो ये वैसा ही हो गया, वेयर देयर इज अ विल रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। थैंक यू मैसेज सुन के जो खुशी मिलती है वो एक तो ये होती है कि चलो यार, यू नो, somebody got a cake and मेरे पास जो एक्स्ट्रा था मैं उसको दे पाया। मुझे लगता है नॉलेज देने से कम नहीं होती, ये वो भंडार है जो बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। सो ये कम तो होता नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं, प्लस हमारे यूट्यूब पे कई बार हमें यूट्यूब में मैसेज आते हैं, कमेंट्स में काफी लोग लिखते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा आपने गाइड किया, ये वीडियो हमारे लिए बहुत अच्छा था, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। एक्चुअली एक जो उससे जो किक मिलता है वो आपको किसी भी सैलरी इंसेंटिव किसी भी यू नो डेजिग्नेशन से वो खुशी नहीं ये मिलती, काम जो वो पैसा तो छोटी मिलता छोटी 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 जो खुशियां होती हैं। या या देखो, ये या काम करने से पैसा नहीं मिलता, ये काम करने से खुशी मिलती है, क्योंकि पैसा तो हम वैसे भी कमा रहे हैं, करेक्ट। राइट आप अच्छी खासी पोजीशन पे बैठे हो, पैसा आप अच्छा कमाते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पैसा होने के बाद भी ना यार, मतलब फुलफिलमेंट नहीं है लाइफ में, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन फुलफिलमेंट, ये राइट करके ना राइट बड़ा राइट सेटिस्फेक्शन मिलता है। सुबह उठो और एक आधा थैंक यू मैसेज सुबह मॉर्निंग में आया हो, राइट, तो ऐसे लगता है पूजा हो गई। और सौरभ, आप, सौरभ आपकी एज क्या है, व्हाट इज योर एज अभी नाउ, इफ आई कैन मैं आस्क यू। अप्रैल 33 साल का हो जाऊंगा। सो 33 साल की उम्र में जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट आप मेरे से काफी छोटे हैं, और एक्सपीरियंस जो है मेरे को जो नजर आ रहा है जिस तरह का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका, वो बहुत सारी चीजें, मैं अपने सारे सारे देखने और सुनने वालों को ये बात कहना चाहूंगा कि आज की जो हमारी ये जो कन्वर्सेशन है इससे हम क्या लेके जा सकते हैं उस बारे में सोचिए, कैसे आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पावरफुल हैं तो एक कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, लोगों को अपने साथ में जोड़िए, अगर आप किसी एक कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आसपास कम्युनिटीज देखिए, आपको हर जगह हर शहर में मिलेंगी। ऑब्वियसली सौरभ को हमने आपसे मिलाया है, अगर आप सौरभ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, रविवीसी शो के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं तो जरूर करिए। सौरभ को हम अपने शो पे मुझे लगता है रेगुलर बुलाना पड़ेगा हमें, एटलीस्ट हमें महीने में एक बार तो इन्हें बुलाना ही पड़ेगा, नई एक चीज लेने से जो ये लेके आए और हमारे साथ ऐड करते रहें। और इसी के साथ सौरभ मैं आपको बहुत थैंक्स करना चाहूंगा हमारे शो पे आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर, सो मजा आता है ये बात करके, एंड आई थिंक अगर एक इंसान भी ऐसा हो कहीं किसी गांव कूचे में बैठा हुआ जो इसको सुन ले और उसको अच्छा लगे और वो कुछ करने लगे, तो सक्सेस हो जाएगा ये सारा टाइम और एफर्ट जो हमने डाला है, तो ये सब सक्सेस हो जाएगा उस सॉलिड वाला। सो यही उम्मीद है, अब बस मेरी यही प्रेयर है भगवान से कि इसको वो लोग देख ले एक घंटा आधा घंटा तसल्ली से बैठ के, एंड उनको कुछ ऐसा देखेंगे मिल जाए। देखेंगे बिल्कुल देखेंगे, और ये ऐसे ही वीवीसी शो पे और सक्सेस ब्रू में हम मिल बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, लिंक्डइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू हम आप तक पहुंचेंगे। आप हमसे जुड़ते रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर ये चैनल के साथ आप कनेक्ट हो गए तो सौरभ जैसे और भी हमारे पास दोस्त और शख्सियत आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, और सौरभ खुद भी वापस आएंगे। दोस्तों जिंदगी बहुत आसान है, अगर हम मिलके चलें तो लाइफ बहुत ईजी होती है। हमारे को अक्सर प्रॉब्लम तब आती है जब हमें अहंकार या अहम आ जाता है या हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं। आपके कुछ होने का फायदा तभी है जब आप चार लोगों को अपने साथ में लेके चलें और उनके बोझ को भी हल्का करें। मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन इजाजत लेता हूं द वीवीसी शो से, और एक बार फिर से सौरभ को थैंक्स करना चाहूंगा शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सौरभ, विल कनेक्ट सून। थैंक यू वेरी मच।